हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन भत्ता, वो भी तिल के साथ। तो उसके लिए मुझे चाहिए बैंगन, नमक, काला तिल, सफ़ेद तिल, मिर्ची दो तीन लिए है मैंने, प्याज तीन, धनिया और सरसों का तेल। सबसे पहले जो बैंगन को है मैंने पहले से धो लिया है और अभी मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लूँगी हाथ में और अच्छी तरह से इसे लगा लूंगी। उसके बाद एक कांटे चम्मच की मदद से इसे इस तरह से छेद कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी जगह में। और अब मैं इसे गैस पे जलने के लिए, पकने के लिए रख दूंगी। तो इसे मैं जब तक ये चारों तरफ से अच्छी तरह से जल ना जाए। और आपको कब पता चलेगा कि पक चुका है, जब ये बहुत नरम हो जाता है। तो अभी जो है सफ़ेद तिल को मैं एक गरम कढ़ाई में इसे फ्राई करूंगी, जब तक थोड़ा सा ब्राउनिश कलर ना हो जाए। हमें ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है तिल को, अगर ज़्यादा आप करेंगे तो बहुत ही तीखा स्वाद आता है। जब आप इसे इस तरह से फ्राई करेंगे तो एक तरह का खुशबू आता है, तो जब वो खुशबू आते रहता है तो आपको पता चल जाता है कि तिल जो है वो रेडी हो चुका है। तो हमेशा तिल को ज़्यादा मतलब सिर्फ पाँच मिनट भी नहीं चाहिए अगर आपका तवा बहुत ही गर्म है। तो साथ साथ में साइड में बैंगन को भी मैं जलाते रहूँगी, उसे टर्न करते रहूँगी कि वो हर तरफ से अच्छी तरह से जले और पके। तो हमें ध्यान रखना है कि कहीं से भी ना छूटे। तो तिल आप देख रहे हैं थोड़ा ब्राउनिश कलर आ चुका है, तो ये हो चुका है। तो मैं अभी सफ़ेद तिल को निकाल दूंगी कढ़ाई से। और अब काले तिल को भी मैं इसी तरह से फ्राई करूंगी। तो काला तिल मैंने कम लिया है थोड़ा, कि काला तिल पूरी ज़्यादा लेने से बहुत ही तीखा स्वाद आता है। तो आपने बैंगन का भत्ता तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज इंडियन लोकल फूड में आप देखेंगे कि बैंगन का भत्ते को किस तरह से तिल के साथ बनाएं। तो ये एक तरह का लोकल डिश है। तो मैं जो मार्केट में गई थी, मैं एक्चुअली स्प्रिंग ऑनियन भी लेने गई थी, लेकिन अभी जो है मार्केट में स्प्रिंग ऑनियन अवेलेबल नहीं है। तो स्प्रिंग ऑनियन और भी जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन अवेलेबल है तो आप प्लीज़ स्प्रिंग ऑनियन को ऐड करें, धनिया भी ऐड करें। तो जो काला तिल भी है वो हो चुका है। तो अब मैं इस दोनों ही सफ़ेद और काले तिल को ग्राइंड करूँगी। तो बैंगन को मैं चारों तरफ से अच्छी तरह से जला लूँगी। आप देख सकते हैं कि ये पक चुका है। तो जब ये इस तरह से हो जाए तो मतलब ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब मैं इसे एक बॉल में रख के इसे मैं इस तरह से ढक के रख दूंगी और सफ़ेद तिल और काले तिल को मैं एक ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लूँगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसे एक बॉल में निकालूँगी। आपको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, ज़्यादा ग्राइंड करने से बहुत चिपक जाता है और इससे तेल निकलना शुरू हो जाता है। तो इससे पहले हमें निकाल लेना है इसे। तो आपको सिर्फ, अगर आपका ग्राइंडर बहुत ही स्पीड है तो बस दो मिनट भी नहीं चाहिए आपको ग्राइंड करने के लिए, बहुत ही जल्दी ग्राइंड हो जाता है काला तिल।
तो अब जो है मैं जो बैंगन के जो छिलके हैं काले काले छिलके उसे मैं निकालूंगी। और अब मैं इसे इसके जो स्टीम को है उसे काट दूंगी। इसे मैंने थोड़ा धो लिया है कि जो जो काला वाला चिपका था वो अच्छी तरह से साफ हो चुका है। तो इसे इस तरह से खोल के मैं एक चक्कू की मदद से इसे काट लूंगी। आप चाहे तो हाथों से भी निकाल सकते हैं। और इसे एक एक तरह का मैं चॉप का शेप दे दूंगी। तो बैंगन जो है वो कट चुका है। अब जो कटे हुए प्याज है उसे डाल दूंगी। तो प्याज का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं बैंगन के भरते में। और मिर्चियाँ तो हम जो है बहुत कम मिर्चियाँ खाते हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्चियाँ के शौकीन हैं तो आप और ज़्यादा दे सकते हैं। हमने कटे हुए धनिया भी डाल दिए हैं, नमक स्वाद अनुसार और सरसों का तेल हम थोड़ा सा देंगे। और जो तिल जो हमने तैयार किया था वो हम डाल देंगे इसमें। तो आपने बैंगन का भत्ता तो बहुत खाया लेकिन तिल के साथ आपने कभी नहीं खाया, तो आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और जो मेरे बैंगन का भत्ता विद सेसमेन सीड वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमारे चैनल को देखिए, आप बहुत सारे लोकल डिश को जान सकेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमें विश्वास है कि आप आने वाले दिन में हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहेंगे। सो ये रहा हमारा बैंगन का भत्ता। थैंक यू सो मच।